मऊ के मेन स्ट्रीट में एक भवन में आज दोपहर में लगी थी आग। इस घटना की जानकारी विभिन्न मीडिया कर्मियों ने आप तक पहुंचाई, पर मालवा मिरर ने जनहित में इस तरह के मुद्दों का परीक्षण किया और उसे लगा कि आप तक इस खबर से अधिक कुछ पहुंचाना चाहिए। इस मामले में जिम्मेदार विभिन्न पक्षों से बात की और इस तरह की घटनाओं की पड़ताल की। आज की बात के संबंध में पहला बिंदु यह है कि जैसे ही आग लगी वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और सबके सब अपने मोबाइलों से वीडियो बनाने लगे और फोटो खींचने लगे। उद्देश्य था सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करना और वायरल करना। उनमें से किसी को भी यह जिम्मेदारी नहीं लगी कि वे पुलिस को फोन करें जिससे कि फायर ब्रिगेड पहुंच जाए। बिल्डिंग में मौजूद कुछ लोग जब चिल्लाए तब वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के मनीष अग्रवाल को फोन लगाया और तब फायर ब्रिगेड आई और आग पर काबू पाया गया। दूसरा बिंदु यह है कि सिर्फ यही भवन नहीं, मऊ के अधिकतर भवनों में फायर एक्सटिंग्विशर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, जबकि हर घर में और हर दुकान में कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मऊ शहर में बहुत सारे घर काफी पुराने हैं और जर्जर हो चुके हैं। इनमें आग लगने की घटनाओं का खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकी वायरिंग भी काफी पुरानी हो चुकी है, जिसमें कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग सकती है। अगर इनमें से किसी भी जर्जर भवन में आग लगती है तो वे अपने साथ आसपास के कई भवनों को अपनी चपेट में ले सकती है। इस संबंध में मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कि यहाँ की सिविक अथॉरिटी भी है, उसे एक फायर सेफ्टी ऑडिट हर बिल्डिंग और हर दुकान का करना चाहिए। चौथी बात यह है कि जब लोगों को एहसास हुआ कि आग लगी है और फायर ब्रिगेड को खबर करनी है, तो बहुत से लोगों को यह मालूम ही नहीं था कि फोन किसे करना है। इस बारे में मालवा मिरर का सुझाव है कि जिस तरह से 100 नंबर हमें मालूम रहता है पुलिस के लिए, वैसे ही एक हेल्पलाइन नंबर मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का होना चाहिए, जो कि आग के संबंध में जिस पर सूचना दी जा सके। पांचवा सुझाव यह है कि इस तरह के जर्जर भवन जिनमें कोई रहता भी नहीं है, उनके बिजली के कनेक्शन स्वयं एमपीबी ने काट देने चाहिए या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड को पहल करके उनके बिजली के कनेक्शन कटवा देने चाहिए, जिससे कि उस बिल्डिंग समेत और किसी बिल्डिंग को आग का खतरा ना हो। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।